बीसीसीआई का बड़ा फैसला, आईपीएल 2021 से हटाया सॉफ्ट सिग्नल का नियम। आईपीएल 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल से चेन्नई में हो रही है। इस टूर्नामेंट में शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अहम फैसले लेते हुए कुछ समय से चर्चा में रहे सॉफ्ट सिग्नल नियमों को लीग से हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अब थर्ड अंपायर मैदानी अंपायर के नो बॉल और शॉर्ट रन के निर्णय को भी बदल सकेगा। बीसीसीआई ने इस नियम को इसलिए भी हटाया क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड के मैच में लिमिटेड ओवर सीरीज में अंपायर के कई फैसले भारतीय टीम के खिलाफ गए थे। इसको लेकर कप्तान विराट कोहली ने भी निराशा जताई थी और कहा था कि सॉफ्ट सिग्नल को हटा देना चाहिए। ANI के अनुसार बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि अब थर्ड अंपायर पर फैसला भेजने से पहले मैदानी अंपायर के पास सॉफ्ट सिग्नल देने का कोई अधिकार नहीं होगा। बता दें कि पहले किसी खिलाड़ी के निर्णय को लेकर जब मैदानी अंपायर तीसरे अंपायर के पास जाता था तो उसे सॉफ्ट सिग्नल के तहत पहला अपना डिसीजन देना पड़ता था, लेकिन अब अंपायर्स को ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ये दोस्तों आप यहाँ पे को एक ट्वीट देख पा रहे होंगे जहाँ पर क्लियरली मैंशनड है कि सॉफ्ट सिग्नल इस साल आईपीएल 2021 में नहीं होने वाला। इसमें बीसीसीआई के सूत्र ने कहा है, मैदानी अंपायर के द्वारा सॉफ्ट सिग्नल देने के कई बार थर्ड अंपायर के पास कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अंपायरिंग के पुराने तरीके को अपनाना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।